तो चलिए आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 130 GB डाटा 13 महीने के लिए आपको कैसे मिलेगा। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज हम बात करेंगे 10 GB डाटा फ्री में आपको कैसे मिलेगा। इस तरह से आपको हर महीने के लिए 10 GB डाटा पूरे 13 महीने के लिए 130 GB डाटा आपको कैसे मिलेगा और उसके लिए क्या शर्तें हैं और किन लोगों को ये 10 GB फ्री का मिलने वाला है, सारी की सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं 10 GB डाटा आपको कैसे मिलेगा और आपने सब कुछ कर लिया और आपको 10 GB डाटा नहीं मिल रहा है और आपको चाहिए 10 GB डाटा, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, तो चलिए अब हम जानेंगे इसके बारे में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसी तरह के वीडियो अपडेट पाने के लिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर जरूर करना। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक VI का सिम कार्ड है और हमारे इस VI के सिम कार्ड पे हमें चाहिए 10 GB डाटा। यहाँ पर मैंने बहुत सारे ट्रिक आजमा के दिखे, जैसे कि कस्टमर के नंबर पर 299 का रिचार्ज था, उनके पास 5G का मोबाइल था और 4G वाला मोबाइल भी था, उन सभी के नंबर पर ये मैंने डायल करके देखा तो उनको ये 10 GB डाटा फ्री का नहीं मिला। जिन्होंने 239 का रिचार्ज किया था उनको भी ये ट्राई करके देखा तो उनको भी ये 10 GB डाटा फ्री का नहीं मिला। तो ये फ्री का 10 GB डाटा मिल रहा है किसको? तो देखिए अब आपको मैं क्लियर बताता हूँ, आपके पास एक VI का सिम कार्ड है और आपको 10 GB डाटा चाहिए तो आपको एक बार आपका जो मैसेज बॉक्स है उसमें जाके देखना है, कंपनी बस कुछ ही लोगों को ये दे रही है। जो भी इस ऑफर को एलिजिबल करता है उनको कंपनी की ओर से मैसेज आता है, कंपनी की ओर से मैसेज अगर आ चुका है आपको तो आपको एक यूज कोड मैं बताने वाला हूँ, वो यूज कोड आपको यूज करना है। जैसे आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको 10 GB डाटा मिल जाएगा। ये 10 GB डाटा लेने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक एक्टिव प्लान होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 239 का रिचार्ज आपने किया है और आपको कंपनी की ओर से एक मैसेज आया है 130 GB डाटा फ्री में, तो अगर आपको इस तरह से कोई मैसेज आया है तो ही आपको यहाँ पर 10 GB डाटा मिलेगा। सबसे पहले तो आपको मैसेज बॉक्स में जाकर देखना होगा आपको कंपनी की ओर से कोई मैसेज आया है या नहीं आया। अगर आपको मैसेज नहीं आया होगा तो भी मैं आपको एक सीक्रेट कोड बताऊंगा जिसे यूज करके आपको देखना है आपको 10 GB मिलता है या नहीं मिलता, या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आपकी एरिया में सबसे बेस्ट नेटवर्क कौन सा चलता है और डाटा स्पीड सबसे अच्छी किस कंपनी का आपको मिलती है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक VI का सिम कार्ड है और हम अब इस VI सिम कार्ड पर देखने वाले 10 GB डाटा मिलता है या नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं एक चेक करूंगा हमारे नंबर पर 239 का रिचार्ज होना चाहिए तब जाके हमें ये 10 GB डाटा मिलेगा। अगर आप सोचेंगे हमारे पास कोई एक्टिव प्लान नहीं है तो हम इस 10 GB डाटा का बेनिफिट उठा सकते हैं क्या, तो इसमें आपको 10 GB डाटा नहीं मिलने वाला है। उसके लिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपके पास 239 से रिचार्ज होना जरूरी है। अगर आपने 239 का रिचार्ज किया है और आपको कंपनी की ओर से एक मैसेज भी आया है 10 GB डाटा फ्री मिलने वाला है तो ही आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी ट्रिक आजमा के देखी है किस किस बंदों को आ रहा है किस बंदों को नहीं भी आ रहा है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर 10 GB डाटा मिला है। अब मैं आपको बताता हूँ ये 10 GB डाटा आपको कैसे मिलेगा। आपने हमारा वीडियो देखा बिना स्किप किए तो मैं आपको बताता हूँ अब यहाँ पर आपको क्या करना है। मैं आपको दो नंबर बताऊंगा, ये दो नंबर आपको ट्राई करके देखना है अपने VI नंबर पर। तो सबसे पहला नंबर आपको डायल करके देखना है *121*199#, ये नंबर डायल करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस नजर आएगा। अगर आपका मोबाइल एलिजिबल है तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन के लिए एक कहा जाएगा, अगर आपका मोबाइल एलिजिबल नहीं है तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा सॉरी यूर हैंडसेट आर नॉट एलिजिबल प्लीज अपडेट, तो इस तरह से कुछ बताएगा। तो आपको एक बार अपना मोबाइल अपडेट करके रखना है, मोबाइल अपडेट करने के बाद फिर से ये नंबर डायल करके देखना है। अब मैं आपको दूसरा एक नंबर बताता हूँ, तो ये दूसरा नंबर भी आप डायल कर सकते हैं। तो आपको नंबर डायल करना है *199*199#, ये नंबर आपको डायल करना है। जैसे जैसे आप ये नंबर डायल करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से मैसेज फ्लैश होगा। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको कंफर्मेशन के लिए कहा जाएगा, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपके सामने सॉरी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम एलिजिबल है तो हमें यहाँ पर एलिजिबल वाला मैसेज आया तो हम यहाँ पर एक दबा के सेंड कर देते, जैसे हम एक दबा के सेंड करते तो हमें यहाँ पर 10 GB डाटा मिल जाता है और ये 10 GB डाटा हमें हर महीने के लिए मिलने वाला है पूरे 13 महीने के लिए। एक 10 GB अभी मिलेगा, 10 GB अगले महीने मिलेगा और 10 GB आने वाले और 12 महीने तक हमें मिलता रहेगा। 10 GB डाटा यूज कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले तो आपको आपके नेटवर्क सेटिंग में जाना है, नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद वहां पे आपको APN सेटिंग में जाना है। APN सेटिंग को आपको एक बार रिसेट कर लेना है। अब ये APN सेटिंग रिसेट होने के बाद अब आपको एक बार मोबाइल आपका स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर देना है। जैसे अभी स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर दोगे तो आपको
10 GB डाटा यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। और ये 10 GB डाटा आपको मिला है या नहीं मिला ये आपको चेक करने के लिए आपको आपको मोबाइल में वी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। वी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको आपके नंबर से लॉग इन करना है, आपके नंबर पर OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है और यहाँ पर आपका वी एप ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 10 GB डाटा मिला है। 10 GB डाटा मिलने के बाद हम इसे कैसे यूज करेंगे, तो देखिये यहाँ पर आपको कंपनी को 10 GB डाटा मिला है। अब ये 10 GB डाटा आप एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं या तो आप इसको रोजाना के तौर पे खत्म कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो 1.5 GB रोजाना मिलता है उस 1.5 GB रोजाना का जो आपका डाटा खत्म हो जाता है उसके बाद ही आपका ये 10 GB का डाटा आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहे तो ये 10 GB डाटा आप एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं, 2 दिन में खत्म कर सकते हैं या 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। बस आपको ये 10 GB डाटा 1 महीने के लिए मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। डेली में आपको 10 GB नहीं मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपको 10 GB डाटा मिला है या नहीं मिला है। और आपको 10 GB डाटा मिलने के बाद आपके 10 GB डाटा मिलने के बाद आपका इंटरनेट अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है ये हमें जरूर बताना। तो चलिए अभी मिलेगी कुछ नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।